दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डोंट ट्राई दिस मेथड ऑन स्टॉलेन फोन। दोस्तों आज मेरे पास टेक्नो का BF7 मॉडल है, ये वाला मॉडल है, और इसमें जो है ना मैंने पैटर्न लगा के भूल गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हमने पैटर्न डाला था वो याद नहीं है, तो कैसे हम खुद के ही फोन से इस पैटर्न लॉक को हटाएंगे अगर भूल चुके हैं तो। ठीक है, उसको हटाना सिखाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए पैटर्न लॉक हटाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करना होगा। ठीक है, स्विच ऑफ कर लेंगे सबसे पहले, तो चलिए हम पावर ऑफ कर लेते हैं। पावर ऑफ होने के बाद आपको गाइज क्या करना है, देखिए थोड़ा वेट करेंगे, वाइब्रेट हो जाएगा, वाइब्रेट होने के बाद थोड़ा वेट करना है। ठीक है, थोड़ा देर वेट करेंगे और पावर यहाँ पे पावर की वॉल्यूम अप की दोनों को एक साथ दबा के रखेंगे। ठीक है, दोनों को साथ में दबा के रखेंगे और जैसे ही यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा टेक्नो का, तो आपको ये वाला की छोड़ देना है, ऑन ऑफ वाला बटन जो है ना छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस, वीडियो स्किप करोगे तो बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आप मिस कर लोगे, आपके साथ परेशानी क्रिएट हो जाएगा। गाइज अभी भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे गाइज अगर आप यहाँ से हार्ड रिसेट करोगे बटन के थ्रू, तो आपका जो है ना आपके फ़ोन के अंदर के जितने भी डाटा है वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फोटो वीडियो MP3 सारा डिलीट हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपका एक भी डाटा नहीं बचेगा। ठीक है, ध्यान से रखना, देखना वीडियो को कैसे करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पावर की प्रेस करके रखना है और ऊपर वाला बटन ऐसे दबा देना है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे लेके आना है, यहाँ से ओके करेंगे, फैक्ट्री डाटा रिसेट पे लेके आएंगे, यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से लाना है पावर की से ओके करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाटा वाइप कंप्लीट हो चुका है, अब क्या करेंगे रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा देर वेट करेंगे, फोन ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 2 से 4 मिनट लग सकता है, आप वेट कीजिए। दोस्तों 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, नेक्स्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे जस्ट थोड़ा देर वेट करेंगे, एंड यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं कहीं भी नेक्स्ट का या फिर स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इस फोन में जो है ना FRP लॉक लग गया है, देख सकते हैं यहाँ पे FRP लॉक लग गया। FRP लॉक मीन्स ये हुआ गूगल अकाउंट लॉक, जिसे आप ईमेल आईडी लॉक भी कह सकते हो। जब तक हम इसमें नहीं डालेंगे ईमेल आईडी पहले वाला, तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। कैसे डालना है बता देता हूँ, यहाँ देखिए यूज मोबाइल नेटवर्क पे जाना, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट करना, और यहाँ पे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, कहाँ पर डालना है ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, गेटिंग योर फोन लिखेगा, और यहाँ पे आपको पैटर्न लॉक रहेगा तो पैटर्न लॉक, पिन लॉक रहेगा तो पिन लॉक, और अगर पासवर्ड लॉक रहेगा पासवर्ड लॉक यहाँ पे आएगा। अगर नहीं आता ये वाला ऑप्शन तो आपको बैक करना है, एक दो बार बैक करके तब आओगे तो ये 100% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना वाईफाई कनेक्ट नहीं रहना चाहिए गाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज मोबाइल डाटा पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, सेटअप कंप्लीट करना है, सिंपल तरीका है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना और नेक्स्ट करोगे पासवर्ड डालना, एंड इसके बाद आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ईमेल नहीं डालते हो तो मोबाइल के थ्रू, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, नाम के थ्रू फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, आप फॉरगेट कर लेना, अदरवाइज फिर भी आपका नहीं होता है तो आप FRP, अगर ये पता ही नहीं है आपको कि इसमें मेरा क्या ईमेल था क्या पासवर्ड था, कुछ भी नहीं याद है आपको, तो आपको जो है ना यहाँ पे एक वीडियो शो हो रहा होगा, आप वीडियो देखना या फिर यहाँ पे होगा। अगर नहीं डाल पाते हैं तो कमेंट करना, मैं डाल दूंगा, आप वीडियो देखो, आराम से आपका जो है ना FRP अनलॉक हो जाएगा, जिससे आप ईमेल आईडी लॉक करते हो, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक आप नहीं डालोगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करके जाना, कंजूसी मत करना, कमेंट करना, कुछ भी कमेंट करना, अगर आपका कोई भी डाउट आता है कमेंट करना, मैं रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।